हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आइए आज चलते हैं टेस्ट पेपर 30 का हम हल देंगे। तो आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। और आज का देखिए पहला सवाल है यहाँ पर, रॉकेट जो है कि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये देखिए काम करता है संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दूसरा है दोस्तों उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर। तीसरा है दोस्तों कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है, देखिए ये भी मतलब सिद्धांत का ही बात कर रहा है, तो डॉपलर प्रभाव कहलाता है दोस्तों। डॉपलर प्रभाव यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है यहाँ पर, कहता है परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है किस पर? तो देखिए परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला इसका राइट आंसर। पांचवा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी संबंध जो है ना किसका निष्कर्ष है? तो इसका राइट आंसर है आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी वाला। छठा है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या मतलब कथन किसने कहा था? तो एडविन हवल ने कहा था, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एडविन हवल दिया हुआ है। आज का देखिए सातवां सवाल है दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए केपलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते समय किसका मतलब ये कथन किसका है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और ये मतलब कथन किसका है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको कॉपरनिकस, जो कि ऑप्शन नंबर तीन में है दोस्तों। नौवा है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। दसवां सवाल है आज का, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो देखिए आज का ये लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन सिद्धांत से ही रिलेटेड आ रहा है। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होने जा रहा है आपका आर्किमिडीज, है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला। इग्रामा है दोस्तों पौधे में भी जीवन होता है ये सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेसी बोस, ऑप्शन नंबर ए वाला। बारहवा है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो यहाँ पर देखिए ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा सही, जोसेफ लिस्टर। आइए चलते हैं अब तेरहवें प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए तेरहवा प्रश्न यहाँ रहा, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता जो है ना किस सिद्धांत पर काम करता है ये बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला। चौदहवा प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंद्रहवा सवाल है यहाँ पर, डिजिटल कंप्यूटर जो है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर आपका आधारित है गणना पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही गणना दिया गया है राइट आंसर। सोलहवा सवाल है दोस्तों, क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो है कि किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? तो ये करता है दाब विद्युत प्रभाव पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्रहवा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जो है कि किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? तो ये देखिए सिद्धांत फैराड का नियम के अनुसार काम करता है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अठारहवा दोस्त है यहाँ पर, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत काम करता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर पीजोइलेक्ट्रिक्स प्रभाव। आज का उन्नीसवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, उन्नीसवा सवाल कह रहा है दोस्तों लेसर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए लेसर आपको करता है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। बीसवा है दोस्तों, रडार की कार्य प्रणाली जो है कि किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का अपवर्तन, है ना। अब देखिए इक्कीसवें प्रश्न को देखिए, इक्कीसवा प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम जो है आधारित है किस पर? तो हाइड्रोजन बम देखिए आधारित है आपका नाभिकीय संलयन पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
21 के बाद आता है 22वां प्रश्न। दोस्तों अगर हमारा वीडियोस यूजफुल है तो आपसे बस एक लाइक मांगता हूँ, आप मेरे वीडियोस को एक लाइक अवश्य कर दें, इससे हमको बहुत मोटिवेट मिलता है। देखिए आज का 22वां सवाल है, लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम आपका देखिए दोस्त हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आज अब हम 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है आपको यूरेनियम डेंटिंग से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यूरेनियम डेंटिंग है। दोस्तों 24वां आज का सवाल में कह रहा है, जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु का ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का। तो इसका देखिए प्रयोग किया जाएगा आपको कार्बन डेंटिंग, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का देखिए 25वां क्वेश्चन भी, 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे। तो देखिए स्टोक का नियम संबंधित है आपका द्रव में गिरती हुई गोली से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 26वां है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम मतलब किसका है। तो यह नियम देखिए आपका हो जाएगा आपका ओम का नियम। तो यहाँ पर ओम का नियम देखिए कौन से ऑप्शन में है, डी वाला में है, तो डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आइए चलते 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेन प्लवन विधि, है ना, जो कि सी में आंसर दिया गया है। 28वां आज का सवाल कह रहा है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 29वां सवाल है आज का, प्राकृतिक बरन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो इसका देखिए डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर चौथा में राइट आंसर दिया है। 30वां है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका था। तो देखिए यह मत था आपका हैक्सले का, है ना, हैक्सले ने दिया था ये वाली मत। अब देखिए 31वें प्रश्न को, 31वां प्रश्न कहता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था दोस्तों आपको ह्यूग्रो ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर राइट आंसर। आइए चलते हैं अब 32वें और 33वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन पहले देखिए, यहाँ कह रहा है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था आपका देखिए नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने, तो यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और 33वां प्रश्न है आज का, लास्ट सवाल है ये, एक जीन एक एंजाइम यह सिद्धांत किसका था। तो ये सिद्धांत आपका बीडल हुआ टेंटम ने दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर ये भी सी ऑप्शन वाला हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियोस बहुत अच्छा से पसंद आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और अगर सही में अगर आपको अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और अभी तक जो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हमारा नया नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए बिल्कुल हमेशा।